हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ गिव्स वेल्थ। तो कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो है ईयर फंगस इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के बारे में, उसे आप कैसे नेचुरली ठीक कर सकते हैं। तो बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कान में बहुत तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, मीन्स अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। तो जब अगर हमें कोई फंगल इन्फेक्शन ईयर्स में हो जाए तो उसे हम कलर थेरेपी के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो उसके लिए आपको चाहिए ब्लैक कलर, ठीक है। तो ब्लैक कलर का आप यूज़ कहाँ करेंगे? आपकी जो स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर का जो ये फर्स्ट ये वाला जो जॉइंट है, इसके बाद जो वाला जो जॉइंट है आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको ब्लैक कलर से रिंग करना है, ठीक है। जैसा यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपके दोनों ईयर्स में इन्फेक्शन हो गया है, दोनों कान में अगर आपके इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको दोनों हाथों में करना है, दोनों स्मॉल फिंगर्स में। और अगर आपको लगता है कि राइट में हुआ है, राइट में हुआ है तो राइट वाले फिंगर्स का यूज़ करेंगे, और अगर लेफ्ट का हुआ है तो लेफ्ट वाले फिंगर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर दोनों में है तो आप दोनों में आप कर सकते हैं। तो अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन लग रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या आपको लगता है कि वो किसी भी तरह अलग तरह का इन्फेक्शन है जो शायद मीन्स बहुत देर से उसको तकलीफ दे रहा है, आप ये किसी बच्चे के लिए भी आप कर, बच्चों को भी कर सकते हैं। अगर बच्चे भी कभी कभी बोलते हैं कि कान में बहुत दर्द हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा गंदा जमा जब हो जाता है ना, गंदा जमा होने के कारण मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें दर्द होता है, तो फिर गंदा जमा होने के कारण भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो देखिए, बॉडी में जो अलग अलग इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इन्फेक्शन बहुत तरह की होती है, तो उसे हम ठीक से पहचान नहीं पाते। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है, तो आप एक बार अगर इन्फेक्शन के लिए ये वाला कलर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इससे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इस डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें उस चीज़ के लिए। क्योंकि देखिए, ब्लैक कलर इन्फेक्शन के लिए होता है। अगर आईज़ के लिए है तो हम आईज़ का जो जगह है वहाँ पर हम ब्लैक कलर करते हैं। जो ईयर्स का है वो ईयर्स का करस्पॉन्डेंस में हम ईयर्स के लिए करते हैं। तो जहाँ स्किन इन्फेक्शन भी हो जाती है, तो स्किन के लिए भी हम लोग ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। जो ब्लैक कलर कहा जाता है कि अंधकार कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ब्लैक कलर से आपको इस तरह से सर्कल करना है। तो इस तरह से आपके ईयर में कोई भी इन्फेक्शन हो तो आप उसे कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई हो तो आप उसे डॉक्टर से जाके जरूर दिखवा लीजिए। और मैं आज आपको उसके साथ एक स्विच वर्ड भी देने वाली हूँ, जिसे अगर आपको अगर कोई इन्फेक्शन है तो आप उसे दूर कर सकते हैं। तो वो स्विच वर्ड है, लाइक आप इसे करेंगे गो अवे, गो अवे, गो अवे, गो अवे, गो अवे, लाइक कि वो चीज़ें। और आपको सोचना है कि आपका जो कान में जो भी दर्द हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ठीक हो गई हैं। तो आपको चैंटिंग करनी है, गो अवे, गो अवे, गो अवे, गो अवे, इस तरह से चैंटिंग करनी है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो ईयर्स में जो प्रॉब्लम हो रही है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी है, और बहुत ही जल्द आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करने लगेंगे। जैसे ही आप कलर थेरेपी का यूज़ करेंगे और साथ में स्विच वर्ड की चैंटिंग भी करेंगे, तो आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। तो आई होप कि मेरा ये आज वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आगे मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।